गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ईडी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं शैलेंद्र प्रकाश, फैकल्टी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो सभी लोग फटाफट लाइव आ जाएं स्टूडेंट, क्लास स्टार्ट हो चुका आप लोगों का, ठीक है। तो क्लास आप लोगों का जैसे डेली क्लास होती है स्टूडेंट, आप लोगों की इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल दोनों ब्रांचेज के स्टूडेंट के लिए JEE या किसी भी टेक्निकल लेवल का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं गेट IAS, तो हर एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट सेशन स्टूडेंट आप लोगों का। तो फटाफट सभी लोग लाइव आ जाएं, और लाइव आते ही स्टूडेंट हर एक स्टूडेंट सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें आप लोग, ठीक है। सभी लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, ठीक है। तो फटाफट लाइव आ जाएं स्टूडेंट, क्लास स्टार्ट हो चुका है। और जिन स्टूडेंट को क्लास की टाइमिंग पता नहीं है, वो जरूर याद रखें कि डेली क्लास आपकी सुबह 7 बजे, इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स का सेशन होता है आप लोगों का, ठीक है। फटाफट लाइव आ जाए सभी लोग और वीडियो को लाइक और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि सभी लोग सारे स्टूडेंट फटाफट क्लास में जुड़ सकें, ठीक है। तो इस तरीके से सभी लोग फटाफट लाइव आ जाएं। लेक्चर आपका आज 102 स्टूडेंट आप लोगों का, यहाँ से आपका क्या आज आपका 102 नंबर का लेक्चर। तो जिन स्टूडेंट ने पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं, वो जरूर पहले के लेक्चर को देखें, ठीक है, कि जो आपके 101 लेक्चर पहले भी कवर अप हुए हैं, उन लेक्चर्स को एक बार जरूर कवर करें, देखें जरूर कि किस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आपको एक्सपेक्टेड होते हैं एग्जाम में, ठीक है। गुड मॉर्निंग जी, फटाफट सभी लोग लाइव आते जाएं, ठीक है, लाइव आते जाएं। और कॉपी और पेन बिल्कुल साथ में रखें अपना, क्योंकि क्वेश्चंस आप लोगों को खुद से करने और आंसर देने फटाफट कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो सभी लोग फटाफट लाइव आ जाएं, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट। और लाइव आते ही सारे स्टूडेंट सबसे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें आप लोग, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो सभी लोग 102 नॉट आउट, वेरी गुड, ठीक है रचित जी, ठीक है। तो सभी लोग फटाफट लाइव आए इस ग्रुप में जुड़ने के लिए, ठीक है, ठीक है, कोई दूसरा, ठीक है देविंदर जी, उसको भी देखते हैं, ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी। तो पहला क्वेश्चन स्टूडेंट आप लोगों की स्क्रीन पर है, फटाफट आंसर दें कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, मॉड्यूलेशन इज यूज्ड टू, कि कौन सा स्टेटमेंट आपका, जो आपके गिवन 4 स्टेटमेंट हैं, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका फॉल्स है, या आप बोल सकते हैं हिंदी में बोले तो असत्य है या रॉन्ग है आपका, ठीक है। कि मॉड्यूलेशन इज यूज्ड फॉर, कि मॉड्यूलेशन यूज होता है आपका किस चीज के लिए, ठीक है। हमेशा याद रखें स्टूडेंट आप लोग कि मॉड्यूलेशन आपका डिफरेंट सिग्नल के ट्रांसमिशन के लिए, ठीक है, इंटेलिजेंस ट्रांसमिटेड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए भी यूज होता है आपका, ठीक है। अलाउ यूज ऑफ प्रैक्टिकेबल एंटीना, मतलब आपका स्मॉल साइज का एंटीना जिसे आसानी से बनाया जा सकता है, आसानी से माउंट किया जा सकता है, वो आपका क्या होता है, प्रैक्टिकेबल एंटीना, ठीक है। रिड्यूस द बैंडविड्थ, हमेशा याद रखें स्टूडेंट कि मॉड्यूलेशन करने से बैंडविड्थ पर कोई भी इफेक्ट नहीं आता आपका, ठीक है। हमेशा याद रखें कि बैंडविड्थ आपकी घटती नहीं है मॉड्यूलेशन से, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन ए इस तरीके से राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है, वेरी गुड। काफी स्टूडेंट ने आंसर दिया भी है, तो आंसर हर एक स्टूडेंट को देना है, ठीक है। सबसे पहले तो जैसे जैसे आप लोग लाइव आ रहे हैं, वीडियो को लाइक करें और आंसर हर एक स्टूडेंट दे, चाहे गलत आ रहा है सही आ रहा है स्टूडेंट आपका, कोशिश जरूर करनी है क्वेश्चन को करने की, चाहे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना है, ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ठीक है। जिन स्टूडेंट का पहला क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, सॉल्यूशन होने के बाद आप कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर लिखें, ठीक है, वो रिप्रेजेंट करेगा कि आपको क्या हो रहा है, इस तरीके से क्वेश्चन समझ आ रहा है, ठीक है। नहीं नहीं अजीत जी, क्लास आपकी स्टूडियो से ही हो रही है, ठीक है, सभी लोग फटाफट लाइव आ जाएं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल दोनों ब्रांचेस के लिए इंपॉर्टेंट सेशन है, तो दोनों ब्रांचेस के स्टूडेंट क्लास देते रहे, वो आंसर देते रहे। क्या लिख रहा है आप लोगों को, इन एन एन टाइप सेमीकंडक्टर एज द डोनर कंसेंट्रेशन ND इंक्रीजेस, कि यदि एक एन टाइप सेमीकंडक्टर में डोनर कंसेंट्रेशन इंक्रीज होती है तो फर्मी लेवल पर क्या इफेक्ट आता है। हमेशा याद रखें एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। दूसरा होता है आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर, और थर्ड होता है आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो हमेशा याद रखें कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में डोनर कंसेंट्रेशन होती है, ठीक है, या डोपिंग जो होती है डोनर की होती है, तो डोनर कंसेंट्रेशन इंक्रीज होगी तो फर्मी लेवल आपका, ठीक है, हमेशा याद रखें स्टूडेंट, फर्मी लेवल कहां शिफ्ट होता है आपका, फर्मी लेवल शिफ्ट होता है आपका टुवार्ड्स कंडक्शन बैंड, ठीक है, कंडक्शन बैंड की तरफ को या ऊपर को आपका शिफ्ट होता है। पी टाइप के केस में एक्सेप्टर कंसेंट्रेशन होती है, तो जब ये इंक्रीज होता है तो फर्मी लेवल कहां शिफ्ट होता है आप लोगों का, वैलेंस बैंड की तरफ को, आप बोल सकते हैं डाउनवर्ड शिफ्ट होता है आप लोगों का। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में आपका क्या होता है, जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही आपके होल्स होते हैं, तो इस केस में फर्मी लेवल कहां पर होता है आपका, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बिल्कुल बीच में, इस तरीके से एट द मिडिल आपका, ठीक है। बिल्कुल लोको पायलट के रिक्रूटमेंट आई है, तो सभी लोग उस फॉर्म को फिलअप भी करें, ठीक है।
उसके लिए भी हम लोग अच्छे से तैयारी करेंगे और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को सिलेक्शन भी उसमें लेना है, ठीक है। तो अच्छे से उसके लिए भी तैयार हो जाएं सभी लोग। तो आंसर यहां से क्या निकल के आएगा स्टूडेंट आप लोगों का, यहां से अगर आप देखते हैं तो मूव्स टुवार्ड्स द कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड की तरफ को मूव करता है और कहां जाकर रुकता है आपका, कंडक्शन बैंड से बिल्कुल नीचे जाकर आपका क्या हो जाता है, इस तरीके से रुक जाता है। तो ऑप्शन बी क्या आ जाएगा स्टूडेंट, यहां से राइट आंसर आ जाएगा। वेरी गुड, नैमिष जी ने लिखा भी है कि जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड फॉर डोनर एटम एडिंग, ठीक है ठीक है। लाइव सेशन लेंगे क्या, ठीक है बिल्कुल आपका लाइव सेशन चल रहा है आपका विवेक जी, अभी भी आपका लाइव सेशन ही चल रहा है, ठीक है। तो यहां से आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी आप लोगों का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि द टर्म व्हाइट नॉइस रेफर्स टू, व्हाइट मतलब आपका सफेद, सफेद मतलब शांति का प्रतीक। तो आपको याद रखना है कि व्हाइट मीन्स आपका क्या आएगा, यूनिफॉर्म, या आप बोल सकते हैं इस तरीके से आंसर क्या निकल के आएगा आपका, कि एक ऐसा नॉइस आपका जिसके लिए क्या होती है, पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी आपकी यूनिफॉर्म होती है। तो रैंडम सिग्नल विद फ्लैट पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी, कि जहां पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी आपकी क्या होती है, कॉन्स्टेंट होती है, उसके कारण जो आपका नॉइस जनरेट होता है वो क्या होता है आप लोगों का, व्हाइट नॉइस। तो ऑप्शन ए क्या आ जाएगा स्टूडेंट, यहां से आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। जेबी गुप्ता का सॉल्यूशन सनी जी जल्दी स्टार्ट होगा, थोड़ा सा कुछ टाइम आप लोग रुक जाएं, लगभग 15 से 20 दिन, ठीक है, उसके बाद आपका कुछ ना कुछ जरूर होगा आपका, ठीक है। इलेक्ट्रिशियन वाले भी डाल सकते हैं उसमें, थोड़ा सा नोटिफिकेशन में चेक कर लें शालिनी जी, ठीक है, वो पता चल जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर आएगा आपका, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा, ऑप्शन ए आंसर होगा, ठीक है। आंसर हर एक स्टूडेंट दें, ठीक है, ध्यान से सुन लें कि सभी स्टूडेंट आंसर दें, क्योंकि कुछ स्टूडेंट आंसर नहीं देते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आपको आंसर जरूर लिखना है, चाहे आपका रॉन्ग आ रहा है राइट आ रहा है, ठीक है, बट आंसर जरूर लिखना है आपको कमेंट बॉक्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू फॉर टू डिजिटल सिग्नल्स ए एंड बी, कि दो डिजिटल सिग्नल ए और बी के लिए कौन सा रिलेशन सत्य नहीं है, या कौन सा रिलेशन आपका सत्य है, आपका ट्रू बताना है आपको कि कौन सा करेक्ट है या कौन सा ट्रू है आपका, ठीक है। तो यहां से देखिए, सबसे पहले आपका ए प्लस बी का बार आपका, तो डिमॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई करेंगे तो कैसे हो जाएगा आपका, ए आपका और बी आपका, तो कॉम्प्लीमेंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यहां बीच में था आपका और ऑपरेटर या प्लस, तो ये हो जाएगा आपका एंड ऑपरेटर या डॉट। तो फर्स्ट तो बिल्कुल राइट आपका, सेकंड अगर आप देखेंगे तो सेकंड रॉन्ग है, क्योंकि सेकंड आपका फर्स्ट में रिप्रेजेंट है, थर्ड भी रॉन्ग है और फोर्थ भी आपका रॉन्ग है। तो यहां से जो आंसर आ रहा है स्टूडेंट, इस तरीके से आपका ऑप्शन ए आपका क्या जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए क्या आप लोगों का राइट आंसर आप लोगों का, तो आंसर सभी लोग देते रहे हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल दोनों ब्रांचेस के लिए क्लास आपकी, तो दोनों ब्रांचेस के स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा क्लास को आंसर भी दें और शेयर भी करते रहें आप लोग, ठीक है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें स्टूडेंट, जिन्होंने अभी भी लाइक और शेयर नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि द आउटपुट वेव फॉर्म ऑफ 555 टाइमर, सबसे पहला क्वेश्चन यहां से क्या पूछा जाता है कि 555 टाइमर को 555 से रिप्रेजेंट क्यों करते हैं, तो क्यों करते हैं आपके, क्योंकि यहां पर क्या होते हैं आपके 3-5 किलो ओम के रेजिस्टेंस कनेक्ट होते हैं आपके, ठीक है। क्या होते हैं इस सर्किट में आपके 3-5 किलो ओम के रेजिस्टेंस आपके इंटरनल स्ट्रक्चर में कनेक्ट होते हैं। अब यहां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आउटपुट वेव फॉर्म आपकी 555 टाइमर के लिए क्या आती है आपकी, ठीक है। दोनों अलाउड है, बिल्कुल पवन जी, आपके इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों अलाउड है, आपके डिप्लोमा और बीटेक दोनों अलाउड है, हायर डिग्री सारी अलाउड है आपकी। तो यहां से हमेशा याद रखें स्टूडेंट कि जो आपकी 555 टाइमर के आउटपुट आता आपका वो कैसा आता आप लोगों का, कि जैसा आप लोगों का एक ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का भी आता है। अब याद कीजिए कि ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का, ठीक है, वाइब्रेटर की जो आउटपुट वेवफॉर्म आती है वो कैसी आती है, वो कैसी होती है स्टूडेंट आप लोग हमेशा याद रखें, वो आपका ये क्या होता है, इस तरीके से ट्रायंगुलर सिग्नल होता है, ठीक है। कैसा होता है आप लोगों का, इस तरीके से ट्रायंगुलर सिग्नल। तो ऑप्शन बी आप लोगों का क्या आ जाएगा, यहां से राइट आंसर आ जाएगा कि कैसा होगा आप लोगों का, ट्रायंगुलर सिग्नल होगा आपका, ठीक है। ऑप्शन सी नहीं होगा, काफी लोग ऑप्शन सी दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, रचित जी ने अपना ट्रांसफॉर्मर बेच दिया है, बधाई हो रचित जी आपको, लॉकडाउन में अपना ट्रांसफॉर्मर बेच दिया तो काफी अच्छा रेट तो नहीं मिला होगा उसका, ठीक है। ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा स्टूडेंट आपका, ठीक है। एक मिनट, ऑप्शन बी के आप लोगों का रेक्टेंगुलर, एक मिनट, इसको करेक्ट कर लें, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी आंसर होगा आपका, ठीक है। इसको करेक्ट कर लें, ऑप्शन सी आंसर होगा आपका, रेक्टेंगुलर वेव निकलता है आपका, ठीक है, इसको सही कर लें, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर वेव आपका क्या निकलता है, रिजल्टेंट निकलता है, इसको करेक्ट कर लें स्टूडेंट, रेक्टेंगुलर ही आंसर होता है आप लोगों का, ऑप्शन सी,
ठीक है, रेक्टेंगुलर सिग्नल यहां पर क्या आपका ए स्टेबल की बात कर रहे हैं, तो ए स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर का आउटपुट क्या होता है, स्क्वायर वेव या आपकी रेक्टेंगुलर वेव। तो करेक्ट कर लें इसको सभी लोग, ऑप्शन सी ही राइट आंसर है। ठीक है, आप लोग सही आंसर दे रहे थे, ऑप्शन सी राइट आंसर आपका। ठीक है, इसको करेक्ट कर लें, ऑप्शन सी ही आंसर आपका। ठीक है, आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देते रहें, और सारे स्टूडेंट वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें आप लोग। ठीक है, 12 रुपए किलो, अच्छा इन्होंने शायद लोहे के भाव में बेचा है डायरेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएं स्टूडेंट आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है आप लोगों को इस तरीके से, सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और आंसर कमेंट बॉक्स में स्टूडेंट हर एक स्टूडेंट जरूर दें आंसर, चाहे गलत आ रहा है सही आ रहा है, बट पूरी कोशिश करें कि आप आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि थ्री फेज करेक्टिंग सर्किट इज, एक थ्री फेज ट्रेंगुलर वाले के साथ, बिल्कुल बिल्कुल श्यामल जी, ठीक है वो थोड़ा सा गलती से हो गया था, वो ट्रेंगुलर नहीं होता रेक्टेंगुलर होता आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएं, क्या लिख रहा है आप लोगों को कि फेज करेक्टिंग सर्किट इज, कि कौन सा सर्किट आपका एक फेज करेक्टिंग, फेज करेक्टिंग मतलब जो फेज में वेरिएशन आ रहा है उसको करेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सनी जी, ठीक है, तो क्या लिखा आपको कि फेज करेक्टिंग सर्किट इज, तो फेज करेक्टिंग सर्किट कौन सा होता है स्टूडेंट आप लोगों का, ये होता आप लोगों का ऑल पास फिल्टर। ठीक है, ऑल पास फिल्टर बोलने का मतलब क्या आपका कि जो सारी फ्रीक्वेंसीज को पास करता है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर, और इसी को एग्जाम में आपको कई बार क्या लिखता है स्टूडेंट आप लोगों को, फेज इक्वलाइजर भी लिखता है। ठीक है, ये भी याद रखें, कंफ्यूज ना हो कि अगर आपको फेज इक्वलाइजर लिखा हुआ है या आपको फेज करेक्टिंग सर्किट लिखा हुआ है, इस तरीके से फेज करेक्टिंग सर्किट, ठीक है, या फेज करेक्टिंग सर्किट या आप बोल सकते हैं ऑल पास फिल्टर, ये तीनों के हैं आपके एक ही चीज है स्टूडेंट आप लोगों के, ऑल पास फिल्टर आप लोगों का। तो ऑल पास फिल्टर जो होता है आप लोगों का वही क्या होता है आप लोगों का, फेज इक्वलाइजर या फेज करेक्टिंग सर्किट आप लोगों का। ठीक है, वेरी गुड, आंसर ऐसे ही सब लोग देते रहे बिल्कुल तेजी से कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट आपका कि लाइट एमिटिंग डायोड कंसिस्ट ऑफ, लाइट एमिटिंग डायोड क्या होता है आप लोगों का, LED। ठीक है, कि LED जो होती है आपकी उसमें क्या होता है आपका, सिलिकन जर्मेनियम गैलियम आर्सेनाइड ये डायमंड। ठीक है, तो हमें पता है कि कोई भी लाइट एमिटिंग डायोड आपका एलईडी जो होती है आपकी वो कैसे बनी हुई होती है आपकी, डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर मटेरियल से। ठीक है, किससे बनती है आपकी, डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल से। ठीक है, किससे बनती है आपकी, डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर मटेरियल से। अब डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब यहां से आपका ये प्रोसेस पूरी हो जाती है आपकी, तो यहां से क्या होता है स्टूडेंट आप लोगों का 99%, तो किस फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है आपकी, लाइट की फॉर्म में एनर्जी आती है, जबकि 1% एनर्जी जो होती है आपकी वो किस फॉर्म में निकलती है आपकी, हीट की फॉर्म में निकलती है। और डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर का अगर हम एग्जांपल देखें तो कौन सा होता है आप लोगों का, गैलियम आर्सेनाइड। सिलिकॉन और जर्मेनियम कैसे हैं आपके, इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर आपके। ठीक है, बिल्कुल नीरज जी ने बिल्कुल सही लिखा है कि डायमंड आपका हार्डन मटेरियल, तो ऑप्शन बी क्या आएगा यहां से आपका राइट आंसर आएगा आपका। ठीक है, बिल्कुल नेमिस ने भी लिखा है कि 99% लाइट। ठीक है, तो इनडायरेक्ट बैंड गैप क्या होता है आपका, इनडायरेक्ट बैंड गैप वो होता है देवेंद्र जी जहां आपका हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी लेवल पर जब इलेक्ट्रॉन आपका आता है, ठीक है, तो क्या होता है आप लोगों का, जो आपका प्रोपेगेशन कांस्टेंट होता है या आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है, इन सबकी वैल्यू क्या होती है आपकी, चेंज होती है आपकी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं स्टूडेंट, यहां से आंसर आपका ऑप्शन बी। ठीक है, तो सभी लोग आंसर देते रहे हैं और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें आप लोग। ठीक है, जिन स्टूडेंट ने अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि देन दी, देन नहीं होगा, ये होगा आपका वैन। ठीक है, ये क्या आपको लगेगा इस तरीके से, वैन, इसको करेक्ट कर लें कि वैन द इनिशियल स्लोप ऑफ इनपुट साइन वेव, भाई इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों ब्रांचेस के लिए इंपॉर्टेंट क्लास आपकी। ठीक है, और आंसर ऐसे ही चाहे क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद दें स्टूडेंट, बट कमेंट बॉक्स में हर एक स्टूडेंट आंसर लिखने की कोशिश जरूर करें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएं, क्या लिख रहा है आपको कि व्हेन इनिशियल स्लोप ऑफ इनपुट साइन वेव इज ग्रेटर देन द स्लो रेट, कि जब आपका इनिशियल स्लोप आपका एक साइन वेव का स्टार्टिंग स्लोप या आपका इनिशियल स्लोप जो होता है आप लोगों का वो ग्रेटर देन स्लो रेट है, तो आउटपुट पर कैसी वेव फॉर्म आएगी, क्या कहा आप लोगों को कि स्लोप आप लोगों का, तो स्लोप अगर आपका किसी इनपुट सिग्नल का डेल MT अपॉन ये मैसेज सिग्नल आप लोगों का, ठीक है, DT, कि ये स्लोप होता आप लोगों का, कि स्लोप अगर आपका क्या है आप लोगों का इस तरीके से ग्रेटर देन है स्लू रेट से, तो अगर स्लोप आपका स्लू रेट से ज्यादा है, स्लू रेट क्या होता है आपका मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज,
स्लू रेट क्या होता है आप लोगों का, इस तरीके से मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज, कि अगर स्लोप आपका इस रेट से ज्यादा है या स्लू रेट से ज्यादा है तो हमेशा याद रखना स्टूडेंट कि आउटपुट आपका क्या था, हमेशा आपका एक ट्रायंगुलर वेवफॉर्म आती है। ठीक है, आउटपुट क्या आती है इस तरीके से, ऑप्शन बी ट्रायंगुलर वेवफॉर्म आपका। ठीक है, वेरी गुड, काफी लोगों ने आंसर दिया भी है, ऑप्शन बी होगा स्टूडेंट आपका, ऑप्शन थ्री नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा। हमेशा याद रखना कि जब ये रेट ज्यादा होता आप लोगों का, ठीक है, स्लोप ज्यादा होता है, ये क्या आप लोगों का इस तरीके से स्लोप है आप लोगों का, कि स्लोप जब स्लू रेट से ज्यादा होगा तो हमेशा सिग्नल कैसा आएगा आप लोगों का, इस तरीके से ट्रायंगुलर सिग्नल आएगा आपका। ठीक है, कैसा सिग्नल आता आपका आउटपुट पर, ट्रायंगुलर सिग्नल आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्या आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अ सर्किट इज सेट टू बी फ्री फ्रॉम फेज डिस्टॉर्शन, कि एक सर्किट आपका फेज डिस्टॉर्शन से फ्री कहा जाता है इफ इट्स फेज रिस्पॉन्स शोज, कि यदि उसका फेज रिस्पॉन्स कैसा हो। ठीक है, तो फेज डिस्टॉर्शन बोलने का मतलब क्या होता है स्टूडेंट आप लोगों का, अनइक्वल फेज शिफ्ट। ठीक है, क्या होता है आप लोगों का, कि अनइक्वल फेज शिफ्ट एट, ठीक है, या अनइक्वल फेज शिफ्ट टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर आपका एक सेम रेट में डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, क्या आप कह सकते हैं कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है एक कॉन्स्टेंट रेट से चेंज ना हो रहा हो आपका फेज। फेज कैसा चेंज हो रहा है आपका, एक आपका वेरिएबल या बोल सकते हैं कि अनइक्वल रेट से चेंज हो रहा है, तो उस केस में क्या हो जाता है आपका, फेज डिस्टॉर्शन जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो अगर फेज डिस्टॉर्शन आपको नहीं करना है, फ्री करना है फेज डिस्टॉर्शन से, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो आपका फेज रिस्पॉन्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए किसके, आपके फ्रीक्वेंसी के, कि यदि आपका फेज फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्टिवली चेंज हो रहा है तो वहां पर कभी भी फेज डिस्टॉर्शन नहीं होगा। फेज डिस्टॉर्शन होता है इसके कारण आपका, क्योंकि फेज फ्रीक्वेंसी के साथ साथ एक कांस्टेंट रेट से चेंज नहीं हो रहा होता है। ठीक है, तो वेरी गुड, आंसर क्या आ जाएगा इस तरीके से आप लोगों का, ऑप्शन डी राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आंसर गलत भी आ रहा हो तो बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि आंसर गलत है आप लोगों का। ठीक है, आप लोगों को ध्यान से ये देखना है कि आंसर जो सही आ रहा है उस चीज को नोट करना आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से स्टूडेंट आप लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अ फुल वेव रेक्टिफायर, कि यदि एक फुल वेव रेक्टिफायर में, इन अ फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन आप लोगों को, कि एक फुल वेव रेक्टिफायर में, ठीक है, जरा फटाफट आंसर दें, इन अ फुल वेव रेक्टिफायर विद इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। ठीक है, इनपुट फ्रीक्वेंसी कितनी है स्टूडेंट आप लोगों की, 50 हर्ट्ज आप लोगों की। ठीक है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द आउटपुट, की इनपुट फ्रीक्वेंसी अगर आपकी 50 हर्ट्ज है तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, तो फटाफट आंसर दें जरा। ठीक है, आपकी बार, कुछ क्वेश्चन है कुछ न्यू, बिल्कुल नीरज जी। ठीक है, अब हम लोग शॉर्ट लेक्चर से ऊपर हम लोग, तो कुछ अलग से क्वेश्चन करने की जरूरत हमें पूरी है ताकि प्रैक्टिस हम लोगों की अच्छी हो सके इस तरीके से। ठीक है, तो क्या लिख रहा है स्टूडेंट आप लोगों को, यहां से अगर हम देखते हैं तो ये क्वेश्चन पूछ रहा आप लोगों को कि रेक्टिफायर के लिए इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, तो इनपुट फ्रीक्वेंसी कितनी है आप लोगों की, FI = ये है आप लोगों का 50 हर्ट्ज आप लोगों का। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द आउटपुट, तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी, तो फुल वेव रेक्टिफायर की जब बात करेगा स्टूडेंट आप लोगों का, तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी आपकी इनपुट फ्रीक्वेंसी के जस्ट डबल हो जाती है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए, तो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए आउटपुट फ्रीक्वेंसी हमेशा इनपुट फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है। ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा, फुल वेव के लिए पूछ रहा है, तो 2 × 50, तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट आप लोगों का, 100 हर्ट्ज आप लोगों का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर क्या निकल के आएगा, 100 हर्ट्ज, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा स्टूडेंट यहां से आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं स्टूडेंट हम लोग, यहां से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर सर्किट, एक कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर सर्किट में, ठीक है, क्या कहा आप लोगों को। ठीक है, यहां से अगर हम देखते हैं तो क्या कहा आपको, इन अ कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर सर्किट, एक कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर सर्किट में अगर करंट गेन इज 100, कि करंट गेन बीटा आपका कितना बोल रहा है इस तरीके से, 100 आपका। ठीक है, एंड द कलेक्टर करंट, अब कलेक्टर करंट कितनी आपकी, 10 mA, तो IC = 10 mA। आगे क्या लिख रहा है कि द बेस करंट इज, सिंपल सा क्वेश्चन कि कलेक्टर करंट क्या होती है आपकी, IC = beta × IB, तो बेस करंट IB कितना आ जाएगा, कलेक्टर करंट इज डिवाइडेड बाई बीटा आपका, करंट गेन बीटा। तो अब कलेक्टर करंट गिवन आपको कितनी आपकी, 10 mA, तो 10 × 10 की पावर -3 इज डिवाइड बाई बीटा कितना आप लोगों का, 100,
इसे अगर आप ऊपर ले जाएंगे स्टूडेंट तो सिंपल कितना हो जाएगा आपका 10 × 10⁻⁵ एम्पियर। ठीक है, तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि सिंपल कितना हो जाएगा आपका 100 × 10⁻¹। ठीक है, इसको अगर आप देखें तो ऐसा आप लिख सकते हैं 100 × 10⁻⁶, या जिसको आप क्या कह सकते हैं 100 μA। ठीक है, तो बेस करंट कितनी आ जाएगी 100 μA। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आप लोगों का यहां से राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा स्टूडेंट राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि द बेसिक हार्टले ऑसिलेटर यूजेस, कि जो आपका हार्टले ऑसिलेटर होता है बेसिकली वो क्या क्या यूज करके बनता है आपका। ठीक है, तो हार्टले ऑसिलेटर की अगर मैं बात करूं तो हमने पहले भी एक दो क्लास पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन आया था स्टूडेंट कि दो चीजें होती हैं, या तो आपके दो इंडक्टर को पैरेलली कनेक्ट किया जाता है एक कैपेसिटर से इस तरीके से, जहां पर दोनों इंडक्टर को क्या किया जाता है बीच से ग्राउंड, और ये आपका क्या होता है इस तरीके से इनपुट साइड में, ये आपका फीडबैक नेटवर्क आपका, और ये यहां से क्या हो रहा होता है आपका आउटपुट साइड से। तो एक तरीका तो ये है कि आपका क्यों इंडक्टर इस तरीके से दो अलग अलग इंडक्टर बीच से क्यों आपके ग्राउंड। दूसरा आपका शॉर्टकट क्या होता है कि अगर आप सिंगल इंडक्टर ले रहे हैं तो सिंगल इंडक्टर को क्या कर दें सेंटर से ग्राउंड कर दें, या सेंटर टेप इसको कर दें। ठीक है, तो एक ही चीज हो जाती है, सेंटर टेप भी अगर आप कर रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा आपका दो इंडक्टर की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या आपका इस तरीके से आप कह सकते हैं कि अ सेंटर टेप्ड इंडक्टर विद अ कैपेसिटर। तो आंसर क्या आएगा यहां से ऑप्शन बी आप लोगों का राइट आंसर कि बेसिक हार्टले ऑसिलेटर जो होता है उसमें क्या होता है आपका सेंटर टेप्ड इंडक्टर और आपका कैपेसिटर आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएमएफटी का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट आप लोगों का। ठीक है, कॉल्पिट जस्ट अपोजिट, वेरी गुड अर्जुन देव जी। ठीक है, बिल्कुल आंसर सब लोग इसी तरीके से कमेंट बॉक्स में देते रहें। ठीक है, आंसर हर एक स्टूडेंट देते रहें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। ठीक है, क्या लिख रहा है आपको कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब जिन लोगों को पता नहीं है वो फटाफट नोट कर लें यहां से। ठीक है, यहां से क्या आप लोगों का सबसे पहले हम लिख रहे हैं गामा रेज आपकी। ठीक है, तो गामा रेज की अगर मैं बात करता हूं आपको कैसे बताना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, फिर आपका घटते घटते आपका। ठीक है, आज क्लास नहीं होगा, कौन सी क्लास की बात कर रहे हैं राजीव जी? ठीक है, क्लास आपका चल रहा है। ठीक है, ठीक है, तो यहां से देखते हैं गामा रेज की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट तो यहां मैं लिख रहा हूं इस तरीके से, आप लोग इस टेबल को याद भी कर लें अच्छे से। ठीक है, सभी लोग नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको याद भी रखें कि सबसे पहला आप लोगों का इस तरीके से गामा रेज फ्रीक्वेंसी रेंज होती है स्टूडेंट आप लोगों की 10^20 से 10^24। किसमें है आपका? हर्ट्ज में आपका। दूसरा अगर हम देखते हैं इस तरीके से, अगर हम लेकर चलते हैं ये हो गया गामा रेज। ठीक है, सेकंड देखते हैं स्टूडेंट इस तरीके से एक्स रेज आपका, तो एक्स रेज की जो फ्रीक्वेंसी होती है स्टूडेंट आप लोगों की ये होती है आपकी 10^17 से लेकर आपका, ठीक है, कितने तक आपका 10^17 to 10^20 Hz तक। ठीक है, ये होती है आपकी एक्स रेज की रेंज। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात कर रहा हूं अल्ट्रा वायलेट की रेंज। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेज की रेंज तो कितनी होती है आपकी 10^15 से लेकर आपका 10^17 Hz तक आपका। ठीक है, 10^15 से लेकर 10^17 तक आपका। ठीक है, याद कर लें इसको, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों ब्रांच के लिए इंपॉर्टेंट है आपका। विजिबल लाइट की बात करते हैं स्टूडेंट इस तरीके से, तो विजिबल की रेंज आती है आपकी 4 × 10^14 से लेकर, ठीक है, कितने तक होती है आप लोगों की इस तरीके से 7.5 × 10^14 Hz तक आपकी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं इस तरीके से, ठीक है, ये कितना आपका 14 आपका। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं विजिबल के बाद आता आपका नियर इंफ्रारेड। ठीक है, कौन सा रीजन आता आपका नियर इंफ्रारेड, तो नियर इंफ्रारेड की जो रेंज होती है स्टूडेंट आप लोगों की ये होती है आपकी 1 × 10^14 से। ठीक है, ये होता है 1 × 10^14 से 4 × 10^14। इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें सभी लोग, एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर और इंपॉर्टेंट है ये टेबल आपकी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखेंगे स्टूडेंट आप लोगों का तो फिर आता आपका इंफ्रारेड आप लोगों का। ठीक है, ये क्या आता आप लोगों का, ये था नियर इंफ्रारेड, अब आता आपका इंफ्रारेड। इंफ्रारेड की जो रेंज होती है वो होती है आपकी 10^13 से लेकर 10^14 तक आपकी। ठीक है, ये हर्ट्ज में है सारे पैरामीटर आपके। नेक्स्ट हम बात करें अगर तो माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो माइक्रोवेव तो सभी लोगों को पता है कितना होता है आप लोगों का इस तरीके से 3 × 10^11 से लेकर आप लोगों का कहां तक आप लोगों का
10 की पावर 13 हर्ट्ज तक आपका, ठीक है, ये हो गया आपका माइक्रोवेव। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं इसी तरीके से रेडियो वेव्स की, ठीक है, क्या कहा आप लोगों को, रेडियो वेव्स की रेंज, तो रेडियो वेव्स की जो रेंज आती है स्टूडेंट आप लोगों की लेस देन 3 × 10^11 हर्ट्ज से, ठीक है, कि 3 × 10^11 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये आप लोगों के क्या है स्टूडेंट, आप लोगों की डिफरेंट फ्रीक्वेंसी और इनकी रेंज। तो अब आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा रेंज किसकी आपकी, एक्स रेज की, ठीक है, तो एक्स रेज माइक्रोवेव तो बीच में आपका, रेडियो वेव सी बीच में है, ठीक है, तो एक्स रेज आ गया, तो ऑप्शन ए और बी नहीं है, ऑप्शन सी और डी में से एक है आपका आंसर। फिर आपका इंफ्रा रेड रेज, ठीक है, तो एक्स रेज के बाद अल्ट्रा वायलेट रेज आपका, तो आंसर आ जाएगा इस तरीके से ऑप्शन डी आप लोगों का राइट आंसर आ जाएगा। आप टेबल को देखें, स्टार्टिंग के दो नाम से ही आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी क्या आएगा आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सभी लोग, ठीक है, जिन लोगों को ये टेबल पता ना हो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, ठीक है, सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जिन लोगों को पता नहीं है वो फटाफट एक स्क्रीनशॉट इसका ले लें, ठीक है। रचित जी एक लिख रहे हैं कि इसका ट्रिक है, तो ट्रिक आप जरूर शेयर करें हर एक स्टूडेंट के साथ, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट आप लोगों का, यहाँ से क्या आ गई आपकी डिफरेंट फ्रिक्वेंसी रेंज आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन आप लोगों का, तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन को क्या लिख रहा आप लोगों को, कि इन द गिवन फिगर, तो सभी लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, ठीक है, सभी लोग वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है, सभी लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। ठीक है, और आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देते रहें। क्वेश्चन क्या लिख रहा आप लोगों को, ठीक है, इन द गिवन फिगर, ठीक है, क्या लिख रहा है आप लोगों को, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा सौरभ जी, आपको ईएडी ऑनलाइन क्लासेस ऐप इंस्टॉल करें, वहां पर फ्री स्टडी मटेरियल में आपको सारे लेक्चर्स के पीडीएफ अवेलेबल है, ठीक है। तो क्या लिख रहा है आप लोगों को, कि फिगर इन द गिवन फिगर द रिफ्लेक्शन कोफिशियंट एट लोड इज, इस फिगर के लिए जो आपको सर्किट डायग्राम गिवन है आपका रिफ्लेक्शन कोफिशियंट कितना आएगा, ठीक है। तो जिन लोगों को पता नहीं है वो ध्यान से नोट भी कर लें कि रिफ्लेक्शन कोफिशियंट, ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन का क्वेश्चन आप लोगों का, रिफ्लेक्शन कोफिशियंट को जिसको हम रो से या आपका इस तरीके से जाई से डिनोट करते हैं, दिस इज इक्वल टू लोड इंपीडेंस माइनस आपका कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस इज डिवाइड बाय लोड इंपीडेंस प्लस कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस। ये तो क्लियर दिख रहा है आप लोगों को इस तरीके से कि लोड इंपीडेंस ZL कितना आप लोगों का 25 ओम आप लोगों का, कैरेक्टरिस्टिक ओम क्वेश्चन ने गिवन आपको कि कैरेक्टरिस्टिक रेजिस्टेंस कितना आप लोगों का या कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस कितना आपका 100, तो इसमें वैल्यू रखेंगे स्टूडेंट तो सिंपल कितना हो जाएगा आपका 25 माइनस 100 इज डिवाइड बाय 25 प्लस 100 आपका, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 75, ठीक है, कितना आ जाएगा स्टूडेंट इस तरीके से आपका, इसको अगर आप लेकर चलते हैं तो सिंपल कितना हो जाएगा माइनस 75 इज डिवाइड बाय 125, तो सॉल्व करेंगे सिंपल कितना आ जाएगा माइनस 0.6 आप लोगों का क्या आ जाएगा इस तरीके से रिफ्लेक्शन कोफिशियंट आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा माइनस 0.6, ऑप्शन बी आप लोगों का राइट आंसर आ जाएगा स्टूडेंट आपका, ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। पीडीएफ अपडेटेड नहीं है, ठीक है, डोमिनिक जी उनको अपडेट करवा देंगे, ठीक है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक का है, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आपका क्या कह रहा है आप लोगों को, यहां से क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ठीक है, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, आपको बताना क्या है इस क्वेश्चन में कि कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ठीक है, आपको क्या बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, तो फटाफट जरा आंसर दें कि कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। यहां से क्वेश्चन क्या पूछ रहा आप लोगों को इस तरीके से कि स्टेटमेंट बताना आपको जो करेक्ट स्टेटमेंट आपका, ठीक है, तो जरा फटाफट आंसर दें कमेंट बॉक्स में, ठीक है, ऑप्शन बी ऑप्शन टू। क्वेश्चन क्या आप लोगों का, डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक आर यूज्ड इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम सिंस, ठीक है, कि डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स का यूज सैटेलाइट कम्युनिकेशन में किया जाता है क्योंकि, क्योंकि सैटेलाइट कम्युनिकेशन में क्या होता है आप लोगों का, या डिजिटल कम्युनिकेशन क्या प्रोवाइड करता है आपका, ये क्या होते हैं आपके, यहां पर ये क्या होते हैं आपके, नॉइस का इफेक्ट क्या आप लोगों का कम आता है या इंटरफेरेंस आपका क्या होता है बहुत कम होता है आपका, तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन फोर्थ या ऑप्शन डी आप लोगों का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी क्या होगा आप लोगों का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है, तो ये स्टूडेंट आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के जो डिटेल्ड प्रोग्राम हमारे चल रहे हैं, डिटेल्ड कोर्स आपके चल रहे हैं, ठीक है, इसरो टेक्निकल असिस्टेंट आपका या इसी तरीके से आप लोगों का राजस्थान जेई इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आपका, ठीक है,
और डिटेल में अगर आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के, तो आप यहां पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएं। क्या लिख रहा है आप लोगों को कि हाउ मेनी बिट्स आर रिक्वायर्ड टू एनकोड 32 लेवल पीसीएम। ठीक है, फटाफट आंसर दें, जरा सिंपल सा जनरल सा क्वेश्चन आप लोगों का। ठीक है, एज मच एज पॉसिबल बैंडविड्थ, बिल्कुल आपका। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है आप लोगों को, इस तरीके से यहां पर क्वेश्चन लिख रहा है कि हाउ मेनी बिट्स आर रिक्वायर्ड इन एनकोड 32 लेवल पीसीएम। तो पीसीएम होता है आप लोगों का, जिन लोगों को पता नहीं है वो नोट भी रख लें, कि पल्स कोड मॉड्यूलेशन। ठीक है, पीसीएम क्या होता है आप लोगों का, पल्स कोड मॉड्यूलेशन, इस तरीके से। ठीक है, तो क्या कहा आपका कि पीसीएम सिस्टम में कितने नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड होंगी जब आपको लेवल गिवन है। ठीक है, तो यहां से अगर हम लेकर चलें स्टूडेंट आपका, तो लेवल कैसे डिफाइन होते हैं आपके, ये होते हैं आपके नंबर ऑफ लेवल्स इज इक्वल टू 2 की पावर n। लेवल कितने हैं, 32, ये हो जाएगा आपका 2 की पावर n। तो 32 कितना होता है आप लोगों का, इस तरीके से अगर आप देखेंगे भी तो कितना हो जाता है आप लोगों का, 2 की पावर 5। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 5। और ये क्या होते हैं आपके, n क्या होता है आपका, नंबर ऑफ बिट्स आपकी। और यही आपको बताना था कि नंबर ऑफ बिट्स कितनी होंगी, तो कितने निकल के आई आपकी, 5 नंबर ऑफ बिट्स। दैट इज ऑप्शन बी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा यहां से। ठीक है, आंसर क्या निकल के आ जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द नॉइस इज मोर डोमिनेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग, कि नॉइस किस केस में आपका ज्यादा डोमिनेंट होता है, ये नॉइस का इफेक्ट आपका ज्यादा कब आता है आपका। ठीक है, मोर नहीं लेंगे क्या प्रीवियस क्वेश्चन में, ठीक है, कहां पर बात कर रहे हैं आपका, ठीक है, नेमिस से लिख रहे हैं मोर्ड। ठीक है, मोर्ड नेमिसी वो तब लेते जब हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं आपका, जब वहां से हम लोग वो क्या कहते हैं इसे, ठीक है, जब हम लोग स्टैंडिंग वेव रेशियो को कैलकुलेट करते हैं तब हम लोग मोड लेते हैं। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा आपका कि द नॉइस इज मोर डोमिनेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग, कि नॉइस का सबसे ज्यादा इफेक्ट कब आता है। तो हमेशा याद रखना स्टूडेंट, नॉइस का सबसे ज्यादा जो इफेक्ट आता है वो आता है आपका एम्पलीट्यूड पर। ठीक है, कोई भी सिग्नल हो आपका एम्पलीट्यूड पर इफेक्ट आता है। और कैसा इफेक्ट आता है आपका, एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है आपका, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है आपका, डिक्रीज हो जाता है या डिस्टर्ब हो जाता है आपका। तो फर्स्ट ऑप्शन जो आपका ये क्या होता है, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका कि नॉइस का जो सबसे ज्यादा इफेक्ट आता है वो आता है आपका ऑप्शन ए पर आप लोगों का। ठीक है, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पीएम क्या होता है स्टूडेंट, इस तरीके से जिनको पता नहीं है वो लिख भी लें, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है, पीडब्ल्यूएम होता है आपका पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, एफएसके होता है आपका फ्रीक्वेंसी शिफ्ट किंग, पीपीएम होता है पल्स पोजिशन मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोगों का कि द फेज वेलोसिटी ऑफ वेव प्रोपोगेटिंग इन अ हॉलो मेटल वेव गाइड इज। ठीक है, कि जो फेज वेलोसिटी होती है आप लोगों की एक वेव के लिए, जो आपकी कहां है आपकी वेव गाइड में प्रोपोगेट कर रही है, तो वेव गाइड में अगर कोई वेव आपकी प्रोपोगेट कर रही है तो फेज वेलोसिटी कैसी होती है स्टूडेंट आपकी, हमेशा ज्यादा होती है आपकी किससे, आपकी फ्री स्पेस से। ठीक है, क्या होती है आप लोगों की, फेज वेलोसिटी जो होती है आपकी ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन फ्री स्पेस। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या आ जाएगा आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, कि फेज वेलोसिटी इस तरीके से आप लिख भी सकते हैं, इन वेव गाइड इज ग्रेटर देन फेज वेलोसिटी इन फ्री स्पेस। ठीक है, फ्री स्पेस से कैसे होती है हमेशा आपकी, ज्यादा फेज वेलोसिटी आपकी वेव गाइड के अंदर होती है। तो आंसर ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों का। नेक्स्ट चलते हम लोग, सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहें, जैसे जैसे लाइव आ रहे हैं वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट आप लोगों का, द मैग्नीट्यूड ऑफ ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट इनपुट इम्पीडेंस ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन आर। ठीक है, कि मैग्नीट्यूड आपका ओपन सर्किट इम्पीडेंस और शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस का, तो ओपन सर्किट इम्पीडेंस कितना है आप लोगों का, 100 ओम। ठीक है, ये कितना आपका 100 ओम। शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस कितना है स्टूडेंट आप लोगों का, 25 ओम। ठीक है, आपको बताना क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस बताना है कि कितना होगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखें कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस जेड नॉट इज इक्वल टू, ठीक है, करवा दो सर, बिल्कुल राहुल जी वो भी हो जाएंगे आपके। ठीक है, दिल्ली मेट्रो, बिल्कुल डोमिनिक जी, ये सारे लगभग आपके डीएमआरसी के क्वेश्चन आपके मैक्सिमम। ठीक है, तो जेड नॉट क्या आ जाएगा इस तरीके से आप लोगों का, यहां से आपका क्या आ जाएगा, इसको अगर हम लेकर भी चलते हैं तो जेड नॉट इज इक्वल टू करेक्ट ओपन सर्किट इम्पीडेंस मल्टीप्लाइड बाई शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका, यहां से अगर आप देखेंगे 100 इज मल्टीप्लाइड बाई 25, तो सिंपल कितना हो जाएगा, 100 का अंडर रूट 10 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो यह आ जाएगा आपका 50 ओम आपका क्या आ जाएगा इस तरीके से, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस।
आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। ऑप्शन बी क्या होगा आप लोगों का, राइट आंसर होगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट आप लोगों का, कि द लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन रिक्वायर्स, ठीक है, एक लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन के लिए आपका एंड ट्रांसमिशन एंड रिसीव एंटीना टू फीच ईच अदर। तो लाइन ऑफ साइट बोलने का मतलब आपका कि अगर ये आपका अर्थ कंटूर है, ये आपका क्या है अर्थ है आपकी, तो यहां अगर आपका एंटीना लगा हुआ है, ठीक है, तो लाइन ऑफ साइट बोलने का मतलब आपका कि ये अगर जो दूसरा एंटीना होगा इनके बीच का जो आपका क्या होना चाहिए इस तरीके से ट्रांसमिशन सिग्नल का, वो एक स्ट्रेट लाइन में होता आप लोगों का, ठीक है। ये क्या होता आप लोगों का लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन आप लोगों का इस तरीके से। तो अब क्या कह रहे हैं कि लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन के लिए एंटीना एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, द ट्रांसमिटिंग एंटीना इज वर्टिकली पोलराइज, कि जो आपका ट्रांसमिटिंग एंटीना है वो वर्टिकली पोलराइज है, तो बेस्ट रिसेप्शन के लिए जो रिसीविंग एंटीना है वो कैसा होना चाहिए। तो हमेशा याद रखना है स्टूडेंट कि ट्रांसमिटिंग एंटीना, ये है आपका ट्रांसमिटिंग एंटीना, ये अगर आपका वर्टिकली पोलराइज है, ठीक है, ये क्या आप लोगों का वर्टिकली पोलराइज है, तो आपका ये जो आपका इस तरीके से अगर आप लेकर भी चलेंगे ये आपका जो रिसीविंग एंटीना होगा। तो हमेशा याद रखें कि अगर ट्रांसमिटिंग वर्टिकल है आपका तो ये कैसा होना चाहिए आपका होरिजोंटली पोलराइज्ड होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, तभी आपका सिग्नल क्या होगा बेस्ट रिसेप्शन होगा आप लोगों का, ठीक है। आंसर क्या निकल के आ जाएगा यहां से आपका ऑप्शन ए कि सिग्नल कैसा होना चाहिए आपका होरिजोंटली एंटीना कैसा होना चाहिए होरिजोंटली पोलराइज्ड आपका, ठीक है। ऑप्शन ए क्या आ जाएगा यहां से आप लोगों का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं स्टूडेंट हम लोग, या नेटवर्क कंटेन्स लीनियर रेजिस्टेंस एंड आइडियल वोल्टेज सोर्स। एक नेटवर्क में, ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों ब्रांच के स्टूडेंट जरा तेजी से आंसर दें कि एक नेटवर्क में लीनियर रेजिस्टेंस और आइडियल वोल्टेज सोर्स कनेक्ट है आपका, ठीक है, इफ द वैल्यू ऑफ ऑल रेजिस्टर्स आर डबल, यदि सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू को डबल कर दिया जाता है देन वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज, ठीक है, तो क्या कहा आप लोगों को कि एक आइडियल वोल्टेज सोर्स है, इस तरीके से बात कर रहा है आपको थोड़ी देर के लिए, अगर आप एग्जांपल भी लेकर चलें कि एक आइडियल वोल्टेज सोर्स है वी, इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस थे आपके इस तरीके से मल्टीपल रेजिस्टेंस कनेक्ट है आपके, ठीक है, यहां से क्या आपका ये आपका क्या है आर वन, ठीक है, ये आप लोगों का आर टू, ठीक है, ये आप लोगों का आर थ्री। अब क्या कहा है कि सारे रेजिस्टेंस डबल हो गए तो ये कितना हो गया टू आर वन, ये हो गया टू आर टू, ठीक है, और ये हो गया आपका टू आर थ्री आपका, ठीक है। तो यहां से क्या कहा है स्टूडेंट आप लोगों को कि अगर आपके सारे रजिस्टर डबल हो रहे हैं, ये तो सीरीज के केस में है कि अगर आपके सारे रजिस्टर डबल भी होंगे स्टूडेंट तब भी सबके अक्रॉस वोल्टेज क्या रहेगा सेम रहेगा। अगर आप पैरेलल कॉम्बिनेशन भी देखते हैं तो पैरेलल में आप देख सकते हैं कि वोल्टेज कैसा रहेगा आपका हमेशा सेम रहेगा, चेंज होगी आपकी सिर्फ करंट, ठीक है, कि अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी तो करंट आपकी डिक्रीज होते जाएगी, ठीक है, सीरीज में तो कोई इफेक्ट नहीं, सीरीज में भी आपका क्या हो जाएगा, यहां अगर आप करंट आई को देखेंगे तो करंट आई क्या हो जाएगी आपकी डिक्रीज, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहां से आपका कि देन द वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर नॉट चेंज, ठीक है, वोल्टेज में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, वोल्टेज आपका चेंज नहीं होगा, ठीक है, चेंज आपकी क्या होगी ये हमेशा याद रखें बट करंट चेंजेस, ठीक है, करंट हमेशा क्या हो जाएगी आपकी चेंज हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा आप लोगों को, आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में देते रहें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, ठीक है। एक स्टूडेंट लिख रहे हैं इसरो टेक्निकल असिस्टेंट का सिलेबस, तो सिलेबस मिल जाएगा आप लोगों को, सर जी डीआरडीओ के क्वेश्चन सोल्व करवा दीजिए, बिल्कुल आपके राहुल चंद्र जी डीआरडीओ के क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएंगे आपके, ठीक है। क्वेश्चन देखें क्या लिख रहा आप लोगों को कि 12 वन ओम रजिस्टर आर यूज, एक ऐसा क्वेश्चन जो आपका गेट आईईएस जेईई लगभग हर एग्जाम में पूछा गया और आप लोगों को आंसर भी पता होगा, कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको इसका सॉल्यूशन भी पता नहीं होगा बट आंसर आपको पता होगा, ठीक है, ठीक है। यूजीसी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, श्यामल जी यूजीसी किसकी बात कर रहे हैं, नेट के पेपर की बात कर रहे हैं क्या, कि नेट का पेपर सोल्व करवाना है, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन क्या लिख रहा है कि 12 वन ओम रजिस्टर्स आर यूज्ड एज इज, ठीक है, कि 12 आपके 1 ओम के रजिस्टर एक आपके क्यूब की भुजाओं की तरह कार्य कर रहे हैं, ठीक है, तो रेजिस्टेंस बिटवीन टू डायगोनल अपोजिट कॉर्नर, कि क्या कह रहा है क्वेश्चन आप लोगों का, ये आप लोगों का क्या होता है इस तरीके से अगर हम लेकर चलें, ठीक है, एक मिनट, हाँ ये क्या होता है स्टूडेंट इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो ये आपका क्या होता है एक क्यूब आप लोगों का, ठीक है, ऐसा होता है क्यूब आप लोगों का। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन स्टूडेंट आप लोगों को कि यहां से अगर हम देखते हैं, ठीक है एक मिनट, हाँ तो यहां से क्या कह रहा है आप लोगों को, ठीक है, कि हर एक रेजिस्टेंस आपका इस तरीके से एक रेजिस्टेंस यहां, फिर एक रेजिस्टेंस यहां, एक रेजिस्टेंस इस ब्रांच पे, एक रेजिस्टेंस इस ब्रांच पे,
एक रेजिस्टेंस इस ब्रांच पे आपका, एक यहाँ पर आपका, ठीक है, एक यहाँ पर आपका, एक यहाँ पर आपका, एक ये यहाँ पर आ जाएगा, ये रेजिस्टेंस हो गया आपका, यहाँ रेजिस्टेंस हो गया, और ये रेजिस्टेंस आप गिन भी सकते हैं कि ये 1 2 3 4 5 6, ये आपका 7 8 9 10, और ये आपका 11 और 12, कि 12 भुजाओं में आपके 12 आपके 1 ओम के रेजिस्टर एक तरीके से काम कर रहे हैं। आपको क्या बताना है कि रेजिस्टेंस बिटवीन डायगनली अपोजिट, कि इस नोड से अगर आप देख रहे हैं, ठीक है, आपको क्या बताना है डायगनली अपोजिट ब्रांच में, तो यहां से डायगनली अपोजिट क्या दिखेगा आपको, ये दिखेगा आप लोगों को कि यहां आपका ए से बी के बीच का रेजिस्टेंस आपको निकालना है, ठीक है, ठीक है। तो ए से बी के बीच का क्या निकालना है स्टूडेंट आप लोगों को, रेजिस्टेंस निकालना आपको, ठीक है, बिल्कुल सही लिखा है नीरज जी ने कि करंट डिवाइड करना आप लोगों को, ठीक है, यूजीसी नेट इलेक्ट्रॉनिक साइंस का सेकंड पेपर। अच्छा ठीक है परवीन जी, देख लेंगे इसको भी, ठीक है। तो क्या लिख रहा है आप लोगों को यहां से आपको, तो मेथड क्या होता है स्टूडेंट आप लोगों का, मेथड यही होता है जैसे नीरज जी ने लिखा भी है कि आप हर ब्रांच में करंट ले लें, कि यहां से अगर आपकी करंट आई आ रही है तो तीन ब्रांच में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, यहां आपकी किस किस में, आपकी 2 1 और 4 में, तो तीनों ब्रांच में बराबर जाएगी, फर्दर आपकी करंट आगे डिवाइड होगी, तो इस तरीके से करंट डिवीजन लेकर आपको चलना है, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से जब आप करंट डिवीजन लेकर चलेंगे तो आपका निकल के आएगा स्टूडेंट यहां से आपका रेजिस्टेंस 5/6 ओम। ये क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है, तो आप पहले के वीडियोज में इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन देख सकते हैं, यहां पर हम इसको डायरेक्टली समराइज कर रहे हैं कि ऑप्शन ए क्या आएगा आपका, राइट आंसर आएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है आप लोगों को इस तरीके से, यहां पर क्वेश्चन आपको कि एन 8-बिट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन आप लोगों का, ठीक है, कहां से क्वेश्चन आप लोगों का, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से, कि एन 8-बिट डिजिटल डेटा, कि 8-बिट का डिजिटल डेटा, तो कैसा है डिजिटल डेटा आप लोगों का, यहां से आप देख सकते हैं 1 0 1 0 1 1 0 0, ये आप लोगों का क्या, एक आपका डिजिटल डेटा आप लोगों का इस फैट टू आ एडीसी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में भेजा गया, कितने बिट का है, 8-बिट का, तो एन इज इक्वल टू 8, ठीक है। रेफरेंस वोल्टेज दे रहा है आपको 10 वोल्ट, कि वी आर आपका कितना है, 10 वोल्ट है। देन एनालॉग आउटपुट, तो एनालॉग आउटपुट जो आपका आता है स्टूडेंट इस तरीके से अगर आप लिखें भी कि एनालॉग आउटपुट आपका तो यह आता है रेफरेंस वोल्टेज अपॉन 2 की पावर n, जो इसको हम क्या कहते हैं, रिजोल्यूशन, मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल n। कैपिटल n होता है आपका कि जो आपको बाइनरी नंबर गिवन है उसका डेसिमल इक्विवेलेंट, तो यहां से इसका अगर आप डेसिमल इक्विवेलेंट देखेंगे तो कितना आएगा आपका 1 2, ठीक है, इसको अगर हम देखते हुए 1 2 4 8, ये आपका 16, इस बाइनरी नंबर को डेसिमल में चेंज कर दो बस, 16 32 64 128, ठीक है। तो कौन कौन से नंबर ऐड होंगे, 128 प्लस 32, तो यहां पर लिख देते हैं 128 प्लस 32 प्लस आपका 8 प्लस 4, तो ये हो जाएगा आपका 8 प्लस 4, तो कितना आ रहा आपका 8 2 10 आप लोगों का, और 10 और 8 आपका इस तरीके से 18 और 4 आपका 22, ठीक है, 3 प्लस 2 आपका 5 और प्लस 2 7, तो ये आ जाएगा 172। तो n की वैल्यू कितनी आ रही है स्टूडेंट आप लोगों की, 172 आपका, ठीक है। तो आउटपुट एनालॉग वोल्टेज जो आपका आता है स्टूडेंट इस तरीके से, आउटपुट एनालॉग वोल्टेज, ठीक है, कितना आ जाएगा आपका रेफरेंस वोल्टेज, तो रेफरेंस वोल्टेज कितना है 10 इज डिवाइड बाय 2 की पावर n, तो 2 की पावर n मीन्स 2 की पावर 8 मल्टीप्लाइड बाय 172, ठीक है। तो कितना आ रहा है सॉल्व करके, 7.71 लिख रहे हैं, 6.74, तो ये आपका कितना आ जाएगा स्टूडेंट इस तरीके से, अप्रोक्स जो आता आपका 6.7 वोल्ट आप लोगों का क्या आ जाएगा यहां से, राइट आंसर। तो ऑप्शन बी क्या आ जाएगा यहां से आपका, राइट आंसर आ जाएगा स्टूडेंट आपका, ठीक है। तो आंसर क्या निकल के आएगा आपका, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोगों का, या सीरीज आरएलसी सर्किट हैज, ठीक है, एक सीरीज आरएलसी सर्किट में, या सीरीज आरएलसी सर्किट हैज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 1 किलोहर्ट्ज, ठीक है। तो पहली चीज नोट करिए यहां से कि क्या निकल के आया आपका इस तरीके से, कि जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एफ आर है आप लोगों की, वो कितनी है आप लोगों का, 1 किलो हर्ट्ज आपका। आगे क्या गिवन है, क्वालिटी फैक्टर क्यू गिवन है, कि क्वालिटी फैक्टर क्यू इज इक्वल टू 100 आपका, इफ ईच ऑफ द आर एल सी इज डबल्ड, कि यदि आपके रेजिस्टेंस इंडक्टेंस कैपेसिटेंस की वैल्यू को डबल कर दिया जाता है ओरिजिनल वैल्यू से, देन न्यू क्वालिटी फैक्टर, की नई क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। फटाफट आंसर दें सभी लोग कि नए क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू कितनी आएगी। तो कैसा सर्किट आपका, सीरीज आरएलसी है आपका, ठीक है, सीरीज आरएलसी है। तो सीरीज आरएलसी के लिए जिन लोगों को पता नहीं है नोट कर लें स्टूडेंट फटाफट,
कि सीरीज आरएलसी सर्किट के लिए जो क्वालिटी फैक्टर आपका होता है क्यू इज इक्वल टू, ठीक है, यहां से अगर आप देखेंगे कि क्या होता है स्टूडेंट आप लोगों का क्वालिटी फैक्टर जो आप लोगों का होता है, ठीक है, एक मिनट, हाँ सभी लोग आंसर दें जरा फटाफट, ठीक है, तो क्या लिख रहा आप लोगों को, क्वालिटी फैक्टर क्यू इज इक्वल टू जो होता आप लोगों का क्या होता आप लोगों का R by 2, इस तरीके से याद में रखें, R by 2 अंडर रूट ऑफ C by L, ये आपका क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपका सीरीज आरएलसी के केस में। अब कंडीशन पे आते हैं कि यहां पर क्वेश्चन ने क्या कहा आप लोगों को कि अगर आपका, ये तो आपका क्वालिटी फैक्टर था, ठीक है, इक्वेशन वन, कि अगर आपके आरएलसी की वैल्यू को डबल कर दिया जाता है तो क्यू वन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 2 × R, रजिस्टर हो गया डबल, इज डिवाइड बाई 2 एज इट इज, ठीक है, कैपेसिटर को भी डबल कर देते हैं और इंडक्टर को भी डबल कर देता है, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो सिंपल कितना हो जाएगा आपका 2 × Q, कि जो आपका पहला क्वालिटी फैक्टर था उससे क्या हो जाएगा जस्ट आपका डबल, तो पहले कितना था 100 था, तो अब कितना हो जाएगा आपका 200, तो क्वालिटी फैक्टर जो आपका, आपका नया क्वालिटी फैक्टर क्यू वन आएगा स्टूडेंट आप लोगों का वो कितना आ जाएगा आपका 200 या 200 आप लोगों का, इस तरीके से राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आप लोगों, ऑप्शन डी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी नहीं आएगा धर्मवीर जी, ऑप्शन डी आ रहा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों को कि द इनपुट टू अ कोहेरेंट डिटेक्टर इज डीएसबी एससी सिग्नल, ठीक है, प्लस नॉइस भी आपका, ठीक है, कि एक कोहेरेंट डिटेक्टर के लिए जो आपका इनपुट है आपका डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर, डीएसबीएससी के फुल फॉर्म आपकी डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर, कि आपका एक आपका कोहेरेंट डिटेक्टर पर आपका इनपुट क्या आपका डीएसबीएससी सिग्नल प्लस नॉइस, तो नॉइस एट द आउटपुट ऑफ द डिटेक्टर, कि डिटेक्टर के आउटपुट पर नॉइस कितना होगा, तो हमेशा याद रखें स्टूडेंट आप लोग कि कोहेरेंट डिटेक्टर जो होता आप लोगों का, ठीक है, ये क्या करता आप लोगों का रिजेक्ट करता आपका किसको क्वाड्रेचर कंपोनेंट को, ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आप याद रखें, ये क्या करता आपका रिजेक्ट्स क्वाड्रेचर कंपोनेंट, ठीक है, क्वाड्रेचर कंपोनेंट को क्या करता आपका रिजेक्ट करता आपका, ठीक है, कि जितने भी आपके क्वाड्रेचर कंपोनेंट होंगे सिग्नल में कंपोनेंट उनको क्या करता आपका रिजेक्ट करने का काम करता आपका कोहेरेंट डिटेक्टर। अब यहां पर क्या आपका क्वाड्रेचर कंपोनेंट को रिजेक्ट करता है और जो इनफेज कंपोनेंट होते हैं आपके उनको क्या करता आपका पास करता है, पास किसको करता आपका इनफेज कंपोनेंट को, तो ये चीज आप याद में रखें कि इन फेज कंपोनेंट पास होते हैं आप लोगों के और आपके क्वाड्रेचर कंपोनेंट आपके रिजेक्ट हो जाते हैं, तो आउटपुट में आपका क्या होगा नॉइस एट द डिटेक्टर आउटपुट इज इन फेज कंपोनेंट आपके, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, एक स्टूडेंट लिख रहे हैं, ठीक है, पैरेलल का फॉर्मूला लगा दिए हैं, ठीक है, क्वालिटी फैक्टर की बात कर रहे हैं शायद, ठीक है, कोई नहीं तो उसको चेक कर लीजिए आप अगर वहां पर इस तरीके से भी आपका निकल के आ रहा है, ठीक है, एक मिनट है इसको चेक कर लेते हैं अभी, ठीक है, तो आंसर सभी लोग फटाफट देते रहे हैं कि आप लोगों का गन डायोड इज अ, ठीक है, सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहे और आंसर दें फटाफट, क्या लिख रहा है आप लोगों को क्या गन डायोड इज, ठीक है, हाफ होगा सर, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, एक मिनट, हाँ ठीक है, बैक चलते हैं, कहां पर था क्वेश्चन आप लोगों का सीरीज आरएलसी, अच्छा ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको एक काम कर लेते हैं, यहां पर क्वेश्चन को क्या कर लेते हैं इस तरीके से, अगर डाउट आ रहा है, ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट इस तरीके से इसको देखते हैं अगर हम लोग, तो ये क्या था आपका बिल्कुल सही लिख रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल इसको करेक्ट कर लें सभी लोग, ठीक है, ये क्या आप लोगों का इस तरीके से 200 आंसर वाला क्वेश्चन,
बिल्कुल बिल्कुल, इसको करेक्ट कर लें, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इस तरीके से आपका करेक्ट कर लें इसको थोड़ा सा, ये कितना हो रहा आपका, ये हमने क्या लिखा आपका, ये आपका पैरेलल आरएलसी का फॉर्मूला लिखा है, सीरीज आरएलसी के लिए भी हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, सिंपल क्या होता आप लोगों का, इसको करेक्ट कर लें, क्या होता आपका आर इस तरीके से, एक मिनट हाँ, ये होता आपका वन अपॉन आर, ठीक है, सीरीज आरएलसी के लिए क्या होता आपका वन अपॉन आर अंडर रूट ऑफ एल वाई सी, इस तरीके से करेक्ट कर लें इसको फॉर्मूला आपका, इसको तो आप करेक्ट कर सकते हैं, आपका क्या है आपका पैरेलल के लिए हमने लिखा है, आप सीरीज में इसको लेकर चलें तो सिंपल क्या हो जाएगा आपका, कैसे हो जाएगा आपका कि वन अपॉन टू आर आपका, ठीक है, अंडर रूट ऑफ टू एल डिवाइड बाई टू सी आपका, तो ये टू से टू कैंसिल, सिंपल कितना हो जाएगा आपका वन बाई टू ऑफ प्रीवियस क्वालिटी फैक्टर, तो वन बाई टू मतलब आपका ये कितना आ जाएगा, पहला क्वालिटी फैक्टर कितना था हंड्रेड आपका, हंड्रेड डिवाइड बाई टू करेंगे तो सिंपल कितना हो जाएगा आपका फिफ्टी यहां से आपका, ठीक है, तो क्वालिटी फैक्टर कितना आ जाएगा 50, ऑप्शन बी राइट आंसर आएगा आपका, ठीक है, यहां से जो आंसर आएगा ऑप्शन बी राइट आंसर आएगा, ठीक है, डैम्पिंग फैक्टर लिख दिए हैं, बिल्कुल बिल्कुल इसको करेक्ट कर लें आप लोग, ठीक है, तो ये क्या आप लोगों का, यहां से अगर हम लेकर भी चलते हैं, अगर आपको क्या हो रहा है कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको लिख भी लें कि सीरीज आरएलसी के केस में, ठीक है, क्या आप लोगों का सीरीज आरएलसी लेकर चलते हैं हम लोग, सीरीज आरएलसी के केस में क्वालिटी फैक्टर आप लोगों का वन अपॉन आर अंडर रूट ऑफ एल वाई सी इस तरीके से आपका, ठीक है, ठीक है, बाकी वो फॉर्मूला आप लोगों को समझ तो आ गया होगा कि करना कैसे आपको, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्या लिख रहा है आप लोगों को कि गन डायोड इज यूज एज, ठीक है, कि गन डायोड इज अ, कि गन डायोड क्या होता आपका, तो गन डायोड की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट, तो अगर हम इसका बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं सबसे पहले, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता आपका, यहां आपकी हाई डोपिंग ऑफ एन, यहां आपकी अगेन हाई डोपिंग ऑफ एन, और बीच में होता आपका नॉर्मल टाइप का आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर, यहां आपका होता है इसके साथ आपका मेटल कॉन्टैक्ट आपका, ये आपका सेकेंड साइड में मेटल कॉन्टैक्ट, ठीक है, तो अगर इसको आप देखेंगे तो ये क्या होता है आप लोगों का इस तरीके से एनोड, और ये क्या होता है स्टूडेंट आप लोगों का कैथोड, यहां से आपका सिंबल अगर मैं देखूं इसका, तो सिंबल आप लोगों का ये कुछ इस टाइप का सिंबल आप लोगों का क्या होता है स्टूडेंट आपका गन डायोड का सिंबल होता है, जहां ये एनोड और ये कैथोड, हमेशा याद रखें कि गन डायोड में जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है आपकी, ये एक नेगेटिव रेजिस्टेंस डिवाइस होता है, और जो भी नेगेटिव रेजिस्टेंस डिवाइस होती है वो कहां यूज होती है आपकी माइक्रोवेव डिवाइसेस में आपका इसका यूज होता है, ठीक है, ये माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी में इसका यूज होता है, ठीक है, और नेगेटिव रेजिस्टेंस कैसे होता है आप लोगों का आप देख भी सकते हैं कि वोल्टेज बढ़ने के साथ आपका क्या होता है इस तरीके से आपका करंट डिक्रीज होने लगता है, ये जो रीजन होता है आप लोगों का यहां से यहां तक, ये जो रीजन आपका, ये आपका क्या होता है आपका नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, ठीक है, ये क्या होता है आप लोगों का नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, ये होता आप लोगों का पीक पॉइंट आपकी पीक वोल्टेज, ये होता आप लोगों का वैली पॉइंट, तो पीक पॉइंट और वैली पॉइंट के बीच का जो रीजन होता है, ये जो रीजन है ये आपका क्या होता है आप लोगों का नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन आपका, ठीक है, तो ऑप्शन ए यहां से क्या आ जाएगा आपका राइट आंसर आ जाएगा, तो सभी लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और कोई भी डाउट किसी भी स्टूडेंट को तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहें, ठीक है, सभी लोग, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर जरूर करें, और डेली इसी टाइम पर सुबह 7 बजे आप लोग लाइव रहें, इसी तरीके से हम लोग डिफरेंट टाइप के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में पूछे गए हैं और आपको एक्सपेक्टेड है जो आगे भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आज की क्लास को यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं स्टूडेंट, सभी लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें आप लोग।